सबसे भाजपा सरकार आई है, कमर तोड़ महंगाई लाई है, पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पेट्रोल डीजल एलपीजी के दाम बढ़ाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पेट्रोल डीजल एलपीजी के दाम बढ़ाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, भाजपा जनता को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, भाजपा जनता को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 जब से भाजपा सरकार आई है, कमर तोड़ महंगाई लाई है, जब से भाजपा सरकार आई है, कमर तोड़ महंगाई लाई है, पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, डीजल पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पेट्रोल डीजल एलपीजी के दाम बढ़ाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पेट्रोल डीजल एलपीजी के दाम बढ़ाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, भाजपा जनता को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, सर तो करो 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 सर करो लाइट चला पर्टिकुलरली वी आर कंसर्न्ड अबाउट द हाईली इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल एंड एलपीजी गैस and this was the assurance of the prime minister also prior to election that in case he comes to power he will provide respite to the people from the rising prices of petrol and diesel in particular and because of the rise in prices in the oil product diesel petrol pe excise duty lagana band karo band karo band karo petrol diesel lpg ke dam badhana band karo band karo band karo jab se bhajpa sarkar aayi hai kamar tod mehngai lai jab se bhajpa sarkar aayi hai kamar tod mehngai lai डीजल पे एक्साइज ड्यूटी लगाना बंद करो बंद करो बंद करो पेट्रोल डीजल एलपीजी के दाम बढ़ाना बंद करो बंद करो बंद करो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 भाजपा जनता को लूटना बंद करो बंद करो बंद करो भाजपा आम आदमी की कमर तोड़ना बंद करो बंद करो बंद करो जब से भाजपा सरकार आई है कमर तोड़ने लाई है जब से भाजपा सरकार आई है कमर तोड़ने लाई है केंद्र सरकार एनडीए सरकार भाजपा सरकार जब से भाजपा सरकार आई है जब से भाजपा सरकार आई है पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी लगाना बंद करो बंद करो बंद करो पेट्रोल डीजल एलपीजी के दाम बढ़ाना बंद करो बंद करो बंद करो भाजपा जनता को लूटना बंद करो बंद करो बंद करो भाजपा आम आदमी की कमर तोड़ना बंद करो बंद करो बंद करो केंद्र सरकार एनडीए सरकार भाजपा सरकार कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 जब से भाजपा सरकार आई है कमर तोड़ महंगाई लाई है जब से भाजपा सरकार आई है कमर तोड़ महंगाई लाई है जी सर के यार जी सर देखिए इलेक्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई को दूर करने के बड़े बड़े वादे लोगों के साथ किए और इसी नारे के ऊपर एक भारी जनादेश पूरे मुल्क से हासिल किया न केवल पार्लियामेंट में बल्कि असेंबली की सीट्स के अंदर लेकिन सत्ता में आने के बाद जिस तरीके से महंगाई बढ़ाई उससे आम आदमी की कमर आज की तारीख में टूट चुकी है खासतौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई एलपीजी गैस की कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई और इसका सीधा सीधा असर जो है वो आम आदमी के ऊपर पड़ रहा है गरीब आदमी के ऊपर पड़ रहा है और एक कमर तोड़ महंगाई भारतीय जनता पार्टी ने अपने रूल के दौरान जो लाई है पैंथर्स पार्टी उसके लिए उसकी कड़ी मुजम्मत करती है हम ये कहना चाहते हैं कि आपने जानबूझकर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के प्रव्यू से बाहर रखा ताकि आप मन चाहे टैक्सेस जो है लगाते रहे एक्साइज ड्यूटी लगाते रहे और रेवेन्यू जनरेट करने का साधन आपने पेट्रोल और डीजल को आज की तारीख में बनाया हुआ है गृहणियां परेशान हैं जो एलपीजी के दाम बढ़े हैं लोगों का बजट पूरे तरीके से गड़बड़ा गया है और उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी हम आपको मानते हैं क्योंकि आपने देश के लोगों के साथ वादा किया था कि जब आप हुकूमत में आएंगे तो महंगाई के ऊपर अंकुश लगाया जाएगा लेकिन आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि होने की वजह से न केवल किराए बढ़े हैं बल्कि आम जरूरियात की चीज़ें जो हैं
उनके ऊपर भी इसका असर देखने को जो मिला है। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, जब आप विपक्ष में थे तो आपके बड़े बड़े नेता राजनाथ सिंह जी, स्मृति ईरानी जी, सुषमा स्वराज जी सड़कों के ऊपर बैठते थे, गले में जो है वो हार डालते थे सब्जियों का, और LPG सिलेंडर जो अपने साथ रख के सड़क पर बैठकर पुरानी सरकार को दोषी करार देते थे महंगाई बढ़ाने के लिए। लेकिन जितने दाम आपकी सरकार में बढ़े हैं उतने 70 वर्षों में आज तक कभी भी आजादी के बाद देखने को नहीं मिले हैं। आप कसूरवार हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप गरीब आदमी के ऊपर जुल्म डालने के लिए जिम्मेदार हैं। और अगर जल्द से जल्द ये कीमतें वापस नहीं ली गई बढ़ी हुई, तो देश के लोग आने वाले इलेक्शंस में आपको करारा जवाब देंगे, और पैंथर्स पार्टी इस बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ अपनी मुहिम को और ज्यादा तेज करेगी। ये आज के दिन चेतावनी हम भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार को देना चाहते हैं।